सर्व ब्राह्मण धर्मशाला कैथल में आज भगवान परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल पहुंचे। ब्राह्मण समाज ने भी अपना आशीर्वाद नवीन जिंदल को दिया। देखें आशीर्वाद मिलने पर जिंदल व ब्राह्मण समाज के प्रधान ने क्या कहा। भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद हमेशा हम सब के ऊपर बना रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो आज एक बड़ा समर्थन भी मिला, कितना मजबूत आप मानते हैं, क्योंकि ब्राह्मण समाज ने बड़े मन से ऐलान किया कि नवीन जी के साथ। ये मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हमेशा ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा है, और ब्राह्मण समाज जो है कि हमेशा आशीर्वाद भी और मार्गदर्शन भी हमारे साथ रहा है, इसके लिए मैं सारे पूरे ब्राह्मण समाज का मैं बहुत आभारी हूँ। नवीन जी, कल संकल्प पत्र जारी किया गया है, कितना का विकसित जो है कुरुक्षेत्र हो पाएगा उस संकल्प पत्र से? देखिए, जो संकल्प पत्र हमने दिया है, इससे आपको सब लोगों को ये स्पष्ट हो जाता है कि हम क्या करना चाहते हैं, और इसके अंदर कोई और भी अच्छा सुझाव आएगा तो और भी हम अच्छे सुझाव इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे और ये काम करके दिखाएंगे। हम अपने काम के प्रति बहुत गंभीर हैं, हमारे लिए जो है ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इसको मैं जिम्मेदारी को हम निभाना चाहते हैं, और बहुत हमें चाव है इस बात का, शौक़ है इस बात का कि कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र, कैथल डिस्ट्रिक्ट की सभी विधानसभा हल्के, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा रादौर, सारे के सारे जो 900 गांव हैं, शहर हैं इस पूरे हलके के अंदर, सब में विकास हो। यहाँ पर लोगों का जो जीवन स्तर है वो कहीं ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, हमारे युवाओं के लिए बहुत सी यहाँ पर संभावनाएँ होनी चाहिए, जो खेलों में रुचि रखते हैं उसके लिए हम बहुत अच्छे जो है उनके लिए गाँव के अंदर जिम का प्रावधान करेंगे, खेलों की किटों का प्रावधान करेंगे, अच्छा जो एक वर्ल्ड क्लास एक स्पोर्ट्स सेंटर बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास दो में अपने जो युवा जो रोज़गार चाहते हैं और कोई स्किल सीखना चाहते हैं उनके लिए जो है मैं दुनिया के दो बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर बनाऊंगा, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, एक कैथल डिस्ट्रिक्ट में, एक कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में, जिससे 10,000 बच्चे हर साल वहाँ पर ट्रेनिंग पा करके और फिर कंपनियाँ जो हैं लाइन लगा करके उनको रखना चाहेंगी। तो इस तरह की और सारे जितने अस्पताल हैं, अस्पतालों को भी सरकारी अस्पताल हैं उसको मैं सुनिश्चित करूंगा कि उसके अंदर जो सर्विस है, जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो इम्प्रूव की जाए, वो बेहतर हो, जो उसमें अत्याधुनिक उपकरण चाहिए टेस्टिंग के लिए वो सब वहाँ पे उपलब्ध हों, डॉक्टर्स हों, क्योंकि सिर्फ बिल्डिंग बनाना काफ़ी नहीं होता, जो बिल्डिंग के अंदर जो काम हो रहा है वो आवश्यक है, स्कूल्स हैं, स्कूल्स के अंदर शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करना, इसलिए बहुत से प्लान है, गाँव का विकास करना। तो मैं बहुत कुछ, हम सब भारतीय जनता पार्टी के सभी साथी हम मिलकर पूरे क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, हरियाणा का विकास करना चाहते हैं, देश का विकास करना चाहते हैं, और जो सपना माननीय मोदी जी ने हमें दिखाया है, जो संकल्प उन्होंने लिया है देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने का, उस संकल्प को हम सब मिलकर हम साकार करेंगे। 12 दिन शेष रह गए हैं, क्या अपील रहने वाले तमाम लोग देख रहे हैं? मेरी आपके सभी दर्शकों को पहले तो मैं उनको राम राम करना चाहूँगा, और सभी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप सब 25 मई को आप ज़रूर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करें, और आप ये सोच समझ के करें कि किसके हाथों में देश सुरक्षित है, आपका उम्मीदवार कैसा होना चाहिए, आपकी जो वकालत करे, आपका सांसद कैसे होने चाहिए, आपके प्रधानमंत्री कैसे होने चाहिए। जब आप इन बातों पर गहराई से निर्णय लेंगे, इनके ऊपर चिंतन करेंगे, और आप जात पात बिरादरी और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आप देखेंगे, तो फिर आपको जो है सही आपको जवाब मिलेगा। भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर पहले तो मैं आप सबको और जितने भी हमारे समाज के 36 बिरादरी के भाईचारों को भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर बहुत बहुत लाखों करोड़ बधाई देता हूँ, और सभी ने दूर से गांव से शहर से 36 बिरादरी ने आज भगवान परशुराम जन्मोत्सव को मिलकर मनाया और उनके आदर्शों पर चलने की बात करी। भगवान परशुराम ने हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उन्होंने समाज को इकट्ठा करने का कार्य किया, उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, और उन्होंने कहा शस्त्र और शास्त्र की बात की है, उन्होंने समाज के उत्थान की बात की है। ब्राह्मण समाज हमेशा सबके हित के लिए बात करता है, सभी के लिए लड़ाई लड़ता है। आज समर्थन भी किया गया ब्राह्मण समाज द्वारा। देखो, आज ब्राह्मण समाज ने नवीन जिंदल जी हैं जो भाजपा के प्रत्याशी है, उन्होंने आशीर्वाद मांगा है समाज से, और समाज के कुछ लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया है। समर्थ याद जन्मोत्सव के रूप में वो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, समर्थन की यहाँ कोई ऐसी बात नहीं थी।